अभी यहाँ पे देख सकते हो, इंटीरियर में मेरे पास अभी ज़्यादा कुछ है नहीं डबल लाइटिंग, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक बेडरूम है और एक बहुत बड़ा सा खुला सा विंडो है, बहुत बड़ा सा विंडो है, बहुत ही बड़ा सा विंडो है, ठीक है। और इधर पे आप देख सकते हो ये प्लेन है, तो फिलहाल तो मैं अभी इसको ओन नहीं करूँगा, फिलहाल तो अभी बंद रखता हूँ। और बाकी सबसे सारी सारी जो फालतू की लाइटें हैं उनको भी बंद कर देते हैं, जो हमको काम के नहीं है अभी इस सीन में, अभी फिलहाल तो काम के नहीं है। तो सारी सारी जितनी भी लाइट्स हैं उनको मैं फिलहाल तो बंद कर दूँगा। अभी मैं अगर मैं यहाँ पर रेंडर करूँ तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, जो छोटे मोटे जो ये लाइटिंग हैंगिंग लाइट है वो सब चमकेंगे, और कुछ और तो कुछ होगा नहीं। मैं यहाँ पर अगर मैं रेंडर करता हूँ तो रेंडर में यहाँ पर सेटिंग्स में मैं कुछ ज़्यादा कुछ करता भी नहीं हूँ, जो भी डिफ़ॉल्ट है वही रखता हूँ। और इधर पे भी मैं यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट है उसको ही अप्लाई कर रहा हूँ। और यहाँ पर से अगर मैं रेंडर करता हूँ ये तो कुछ नहीं है, बस बाहर से एक इन्वायरमेंट आ रहा है, इन्वायरमेंट चलो उसको ही बंद कर देते हैं। इन्वायरमेंट लाइट आ रही है थोड़ी सी हल्की सी, उसको भी अगर बंद कर, जो इन्वायरमेंट लाइट है ये है, जो प्लेन डाला हुआ है ये वो है, तो उसको भी मैं फिलहाल तो अभी फिलहाल अभी के केस में इसको हाइड कर देता हूँ, बाद में अनहाइड करके ले लेंगे। हाइड कर लेते हैं या फिर इसको एक अलग से लेयर में, ऐड कर लेते हैं और इसको कर देते हैं बंद, ठीक है। ये मेरा क्या है, बैकग्राउंड है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर सिवाय इस इंटीरियर के, ठीक है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर मैं इसको लॉक कर देता हूँ हमारा रेंडर, हाँ इधर पे, ताकि बार बार जब भी हम लोग रेंडर बार तो यही दिखे हमें, ठीक है। अभी यहाँ पर अभी मुझे देख सकते हो, मुझे डालना है इधर पे सनलाइट, सनलाइट डालना है अगर आपको, तो यहाँ पर से आपको हमेशा वीरे सन लेना है, और सन को आप कहीं भी ऐसे मत करो हमेशा। इसका वर्क फ्लो कैसा होता है सन का, कितनी बार बता चुका हूँ मैंने, लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है। इधर क्लिक किया एंड अंदर की तरफ लेके गया, ऐसा कुछ आपका ये आ गया, एंड यस किया, ठीक है। यस करने के बाद फिर आपको यहाँ पर ये आपको मैंने इधर पे कुछ किया नहीं फिलहाल, अभी मैं इधर पे लाइव रेंडर ऑन करते हैं ताकि आपको पता चले कि सीन कुछ बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी देख सकते हो इतने से ही लाइटिंग में इधर पे आउटपुट कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके का। और क्योंकि अभी मैंने हल्की सी लाइटिंग आ रही है अंदर की तरफ, और थोड़ा सा जो स्काई इन्वायरमेंट है वो दिखाई दे रहा है इसके अंदर, इस सीन के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे हम कर क्या रहे हैं इधर पे, ठीक है। इधर पे देख सकते हो ऐसा कुछ सीन बन रहा है, फाइन। तो अगर मैं ये जो है हमारा इस सन को ऊपर की तरफ लेके जाऊं, जितना मैं ऊपर लेके जाऊंगा उतना ज़्यादा ये अंदर की तरफ लाइट अंदर की तरफ आ रही है। देखो यहाँ पर देख सकते हो अंदर लाइट आ रही है, काफ़ी ज़्यादा लाइट अंदर आ रही है, बहुत ही ज़्यादा ही वॉल्यूम में अंदर आ रही है लाइट। तो इसकी लाइट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसके मल्टीप्लायर को कम कर दीजिए 0.01, ठीक है। अभी थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं, और इंक्रीज करते हैं, और इंक्रीज करते हैं, और इंक्रीज करते हैं। अभी आप देखते हो सन का कहाँ तक, इसका जो शेडो कहाँ तक बन रहा है आप यहाँ तक देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा जो ये है इस पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ये अपने जो बेड के तरफ लेके जाता हूँ, बेड के बैकग्राउंड तक लेके जाता हूँ, थोड़ा ऐसा कुछ व्यू बनाता हूँ बैकग्राउंड में। ऐसे देखो लाइटिंग आ रही है, काफ़ी शार्प लाइट आ रही है ना, बहुत ही जैसे ये विंडो की तरफ से आ भी रही है तो बहुत शार्प लाइट आ रही है। थोड़ा सा मैं इसको फ्रंट करता हूँ, थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ, आप देखो मेरे अपने वॉल के ऊपर, मेरे वॉल के ऊपर पूरा पूरा सनलाइट का जो शेडो है, सनलाइट पड़ रही है ऐसे, बाकी सब शेडो है, ऐसे पूरा सनलाइट यहाँ तक पड़ रही है। और थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा मेरे को ये चाहिए कि मेरा जो वार्डरोब है वो भी थोड़ा सा सन की वजह से ब्राइट अप हो, थोड़ा सा हल्का सा ब्राइट अप हो जाए यहाँ पर। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा जो ये शेडो बन रहा है बहुत ही ज़्यादा ही हार्ड बन रहा है, बहुत ज़्यादा ही
बहुत ज़्यादा ही हार्ड बन रहा है शैडो जो भी हम, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही शार्प बन रहा है जिसे बोल सकते हैं। इसका जो साइज मल्टीप्लायर है उसको इंक्रीज करते हैं हम लोग। देखोगे जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, इसका जो शेडो है उसके जो साइड साइड साइड्स जो है वो सब ब्लर होने लगे हैं। देखो काफ़ी पहले क्या है कि बहुत शार्प हो रहा था इधर पे, इसके साइड साइड्स बहुत शार्प हो रहे थे। जैसे मल्टीप्लाई में बढ़ा रहा हूँ तो इसका जो शेडोस है वो काफ़ी हद तक ब्लर में हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लरी ब्लरी आ गया है, काफ़ी सही है। तो थोड़ा अगर मेरे को चाहिए यहाँ पर वैल्यू थोड़ा इंक्रीज़ करना है, 0.05 करते हैं, तो इधर देखते हो हमारा जो सन का जो लाइट है काफ़ी और भी ज़्यादा ब्राइटअप हो गया है यहाँ पर इस जगह पर। देख सकते हो सनलाइट आ रही है अंदर की तरफ, हमारे ग्लास के थ्रू होते हुए अंदर की तरफ आ रही है लाइट। हमारा जो ये है प्लांट है वो भी सन से, सन का सन की सन का रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है। फिर जैसा ठीक लगे, अब ऐसे में अगर ठीक लगता है हाँ दिस इज द ओके, या फिर थोड़ा और नीचे लेके जाना है, थोड़ा बॉर्डर ड्रॉप तक लेके जाना है तो वो लेके जा सकते हो, अपने ऊपर है। जैसे अभी देख सकते हो सनलाइट परफेक्ट परफेक्ट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आ रही है सब कुछ सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आप वो अगर सनलाइट सब कुछ सही आ रहा है तो फिर धीरे धीरे सब जितने भी छोटे मोटे लाइटिंग है जो है हमारे उनको ऑन कर लीजिए। जैसे मैंने इधर पे ऑन कर लिया हमारा वार्डरोब वाला, जो एक ऑन कर लिया मैंने ऊपर का जो सीलिंग का था लाइट, एक ऑन कर लिया जो मैं बाहर से इन्वायरमेंट से लाइट दे रहा था हल्का फुल्का। तो देख सकते हो इधर पे मेरा सन की लाइट भी आ रही है इसके ऊपर, सन का जो है हमारा वो दिख रहा है येल्लो कलर, सनलाइट सनलाइट का इफेक्ट भी आ रहा है इसके ऊपर, देख सकते हो हल्का सा गिर रहा है, सनलाइट का इफेक्ट भी आ रही है, साथ ही साथ में ओवरऑल लाइटिंग भी क्रिएट हो रही है। बाकी सब तो क्या है, बाकी सब तो और तो बैलेंस ही है, और भी कैसा बैलेंस करना है, जो भी करना है बैलेंस कर सकते हो लाइटिंग में, ठीक है। देखो सन की लाइट भी आ रही है, परफेक्ट आ रही है, ज़्यादा कुछ खेलने की जरूरत नहीं पड़ती, फालतू में 50 चीज़ें खेलते रहते हो उसमें। बाकी मैं बैकग्राउंड के लिए जो मैंने इधर बैकग्राउंड को एनेबल कर दिया ये हो गया परफेक्ट, सन की लाइट भी आ रही है इधर पे बैकग्राउंड भी आ रहा है, और ये हमारा ये भी क्रिएट हो गया, सन का रोशनी भी बन गई यहाँ पर। ओके इधर पे देखो पूरा वॉर्डरोब पे गिर रहा है, और इधर पे पूरे पूरे हाफ जगह पे गिर रहा है यहाँ पर, बाकी इतना हाईलाइट है इधर पे सन का, जैसे इधर से रोशनी आ रही है परफेक्टली इस जगह पे, फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। pixiv.com, यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स। और भी आ जाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।